हाय गाइस, कैसे आप दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे से हो गए। तो फाइनली जो सबसेरा का ट्रेलर है उसे रिलीज कर दिया गया। और आप लोग दोस्तों, मैं बता दूं, जब इसका मैंने फर्स्ट टाइम टीजर देखा था तो इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन इसका बढ़ गया था। वो अलग बात है, एक हॉलीवुड की मूवी था, मैट्स फरी नाम से मूवी है, उससे कम से कम 50-60% कॉपीड लग रही थी। बाकी अगर ट्रेलर को हम लोग देखने के बाद जज करेंगे कि क्या है, बाकी होप रणवीर सर से काफी ज्यादा है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम लोग जो भी बात करेंगे, हम ट्रेलर देखने के बाद में बात करेंगे, तो बने रहिएगा। और सबसे पहले चैनल को दोस्तों मैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन तो प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आपको अगर ये मूवी का जो रिएक्शन अच्छा लगता होगा, ट्रेलर का रिव्यू जो भी होगी, मैं तो आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा ये वीडियो के बाद में। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो देख लेते हैं, ट्रेलर है जो, उसके बाद में बाकी बातें करते हैं। चलिए। अभी तक जैसे फिल्म की जो ट्रेलर रिलीज की गई है, मतलब कि अगर मैं ट्रेलर की बात करूं, स्टार्टिंग से ही मतलब वो लग रहा पोटेंशियल की फिल्म हमें ग्रैब कर पाएगी, क्योंकि जो ग्रैंड लेवल पे लग रहा है, सेट्स की बात करें, यहाँ पर जितने सारे जो हॉर्स चल रहे हैं, अच्छी ग्रैंड लेवल पे शूट की गई है। बाकी हम लोग पूरी ट्रेलर देखते हैं। ये कहानी है शमशेरा की। अरे कोई नई बात बता भजूरी, ये बात तो बचपन से सुन के जवान हुआ हूं मैं। चलो अब बता, तुम सब खमेरन और मैं कौन? तुम्हारे काजा में कोई नया नका भी लुटेरा आया है? त्योहार शादी गया, कुछ नहीं छोड़ा उसने। पागल हो गया, अकेला गोरी सब करने से कम नहीं होगा। अकेला का हूँ, पूरा गिरो है मेरा। अब बता, पक्का मरेगा तू? नया शमशेरा कहाँ से लौट आया? हमारा जीना आराम कर रखा है साहब। आप भी हमें उन जंगलों से मुक्ति दिला सकते हैं साहब? इंडियन शर्ट के लिए इंडियन आइडेंटिटी, कोई थिंक ब्लैक से। अब शुद्ध सिंगिंग की समय के लिए शुद्ध होने का वक्त आ गया है दरोगा साहिब। रणबीर कपूर के दो रोल होने वाले हैं, बाकी पता नहीं क्या है, आप लोग जरूर बताइएगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। मुझे एक बार फिल्म पे क्यों नहीं, ऐसे अभी तक जो लास्ट पे जो फ्रेम्स मैंने अभी तक देखा है, वहां पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दो रोल डबल रोल करते हुए नजर आएंगे। पता नहीं, आई होप मैं गलत हूँ, पता नहीं क्या। ट्रेलर यहाँ हो चुका है खत्म, और मैं फिल्म भी इतने ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, और फिल्म अच्छी लग रही है ट्रेलर से, क्योंकि इसका जो आदित्य का जो उसके डायरेक्टर है हमारे करण मल्होत्रा सर, उन्होंने अग्नी पर डायरेक्ट की थी और काफी बारीकी से काम करते हैं। इसके लिए भी इस मूवी में ज्यादा एक्सपेक्टेशन है मेरे, और कई सारे व्यूअर्स जो इस फिल्म को अग्निपथ को जान रहे हैं, करण मल्होत्रा के डायरेक्शन को जान रहे हैं, तो वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कई लोग जो टीजर देख के बोल रहे थे कि वो केजीएफ चैप्टर 2 से रिलेट कर रहे हैं या उनकी कॉपी है, इस टाइप की मूवी है यार। तो आप लोगों ने बिना ट्रेलर देखे इसे कैसे जज कर लिया मुझे समझ नहीं आता। उनकी हाँ
कलर ग्रेडिंग को थोड़ा विंटेज दिखाने के लिए, क्योंकि ये पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है, तो आप लोग को 1871 पे बेस्ड है मूवी, तो थोड़ी सी विंटेज लुक देने के लिए थोड़ा डार्कर साइड पे वीडियो को एडिट किया गया था। मगर कई सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, केजीएफ चैप्टर 2 की कॉपी है ये वो। अरे यार, हेट करना है आप उन मूवी को करो जिन पे हेट बनती है। ये मूवी पे आप लोग की इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट आपको भी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी ब्रह्मास्त्र के मामले, क्योंकि आप लोग जब देखोगे ब्रह्मास्त्र की जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छी है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जहां पर हमें उस टाइप की मूवीज देखने को मिल रही है। इसी टाइप से इस मूवी की बात करें, फर्स्ट टाइम हमें इसकी जो शमशेरा है, इसकी जो हमें स्टोरी है वो देखने को मिल जाएगी। जहां पर 1871 की मूवी है तो ब्रिटिश का भी इनमें इन्वॉल्व होना जाहिर सी बात थी, जहां पर एक फ्रेम पे उन्हें दिखाया भी गया है। बाकी रणबीर कपूर के जो मैंने बीच में बोला था कि मुझे डबल रोल टाइप से लग रहा, और लास्ट में एक फ्रेम पे दोनों को दिखाया गया, यानी डबल रोल, फर्स्ट टाइम रणबीर कपूर अपने फिल्म इंडस्ट्री के बाद में डबल रोल देखने को मिल जाएंगे। फिल्म स्टार्ट हुई थी तो फनियर साइड भी रखी गई है मूवी में, आपको ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ डार्कर साइड में और डीपली लेके जाएगी मूवी, क्योंकि इंटेंस जो भी है ग्रैब करते करते आपको एंटरटेन भी करना है, तो फिल्म में वो भी देखने को मिल रहा है। बाकी फिल्म तो मुझे अभी अच्छी खासी लग रही है। स्टोरी तो यही होने वाली है कि जो शमशेरा जी हैं उन्होंने ट्राइब को कैसे सेव किया, क्योंकि जहां पर हमारे जो संजय बाबा हैं वो तो किल आउट कर रहे हैं यार कहीं ना कहीं। अगर एक्टिंग की बात करें तो नो डाउट सबकी एक्टिंग अच्छी लग रही है। देखते हैं आगे ट्रेलर में तो जो देखा वो अभी तक अच्छा लगा है, मूवी में क्या देखने को मिलता है, इसीलिए जो भी अब अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाय बाय, धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों, इसलिए ट्रेलर के रिव्यू के लिए, और जाकि बाकी जो है मैं अपनी मूवीज की अपडेट्स के लिए वीडियो बनाता ही हूँ, तो उसके लिए बने रहेगा। बाय बाय, धन्यवाद।